वल्लभ कॉलेज मंडी में 7 दिवसीय एनएसएस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर का शुभारंभ कॉलेज परिसर में स्वच्छता अभियान के साथ किया गया। 7 दिवसीय इस शिविर के दौरान प्रतिभागियों को कई प्रकार की जानकारियां उपलब्ध करवाई जाएंगी। शिविर के शुभारंभ अवसर पर प्रधानाचार्य राकेश शर्मा ने कॉलेज परिसर में स्वच्छता अभियान के लिए शिविर का शुभारंभ करते हुए कॉलेज के प्रधानाचार्य राकेश शर्मा ने 2 दिन तक चलने वाले स्वच्छता अभियान की शुरुआत की और एसएससी प्रतिभागियों को भी सफाई का संदेश दिया। इसके पश्चात रैली के माध्यम से नशे को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। वहीं पानी के स्रोतों की सफाई भी की जाएगी। स्थानीय कॉलेज के प्रधानाचार्य राकेश शर्मा ने बताया कि 7 दिवसीय एनएसएस शिविर के दौरान स्लम एरिया में जाकर एनएसएस के प्रतिभागी बच्चों को स्वच्छता का संदेश देने के साथ साथ स्वच्छता के प्रति उनको जागरूक भी करेंगे। इस अवसर पर एनएसएस प्रोग्राम अधिकारी डॉक्टर दीपाली ने बताया कि 7 दिवसीय शिविर का उद्देश्य शिविर के प्रतिभागी विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है। आज हम 7 दिवसीय एनएसएस का प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम जो है एनएसएस प्रभारी और बच्चों के साथ मिलकर सबसे पहले हम कॉलेज कैंपस में 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा हुआ है कि सारे कैंपस को साफ करेंगे। कुछ झाड़ियां हैं और जो कूड़ा करकट है उन सबको बिल्कुल नीट एंड क्लीन करेंगे। उसके बाद एक प्रोग्राम रखा हुआ है ड्रग अब्यूज से रिलेटेड, जिसके ऊपर एक लेक्चर होगा और उसके बाद एक रैली निकाली जाएगी। तो ड्रग एंटी ड्रग कमेटी हमने ऑलरेडी बना रखी है, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें और इस मुहिम को सफल बनाएं। उसके बाद जो मुझे बताया गया है एनएसएस प्रभारी द्वारा, जो वाटर सोर्सेस हैं इनको भी हम नियर बाय वाटर सोर्स इनको भी हम साफ करेंगे, रिवाइव करेंगे और स्लम एरिया में जाके बच्चों को क्लीनिनेस के बारे में बताएंगे और उनको सेंसिटाइज करेंगे और पढ़ाई के बारे में उनको जागरूक करेंगे। और यहाँ पे डिफरेंट कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम जो एक्सपर्ट हैं जो बच्चों को कैरियर गाइडेंस वगैरह के बारे में बताएंगे, एचएसआईएस वगैरह की कैसे तैयारी की जाती है, वो भी इस प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया। वहीं शिविर में भाग लेने आए प्रतिभागियों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे वीजीसी मंडी में जो ग्राउंड लेवल जो होता है कैंप एनएसएस का कैंप जो कि ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जो कि 28 तारीख से स्टार्ट होके जो है 3 जनवरी तक होगा। और इसी बीच जो हमने कॉलेज कैंपस को साफ करने का मोटो लेके चले हैं, जैसे कि एनएसएस का जो ध्येय वाक्य ही है कि नॉट मी बट यू, इसका अर्थ ये है कि मेरे लिए नहीं आपके लिए, जो कि हमेशा ही स्वयं सेवी जो है हमेशा दूसरों के लिए जो है तत्पर रहते हैं और समाज से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे क्लीनलीनेस जो हाइजीन वगैरह उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे कि आज देख रहे हैं आप बीजीसी मंडी में काफी स्लम एरिया था, जो पिछली साइड देखा आपने काफी हीप ऑफ गार्बेज लगे थे, उसको जो है साफ किया गया सभी स्वयं सेवी द्वारा और पूरे कैंपस में सफाई की गई। 7 दिन जो है हमारे पहले तो यहाँ पे सफाई की, फिर हम किसी और जगह जाएंगे, कोई गांव स्पॉन्सर करेंगे या कोई स्लम जो है हमारे नियर बाई जो सिटी के साथ में वाटर बॉडीज को साफ करेंगे और फिर और कल्चरल प्रोग्राम होगा जिसमें कि प्रमोट किया जाएगा कल्चरल प्रोग्राम को भी। और इस तरह से हमारा 7 दिन का कैंप रहेगा। 28 दिसंबर 2018 आज से एनएसएस के 7 डेज कैंप की शुरुआत करने जा रहे हैं और बहुत सारे इवेंट हैं हमारे इस कार्यक्रम में। बेसिक पर्पस जो एनएसएस का रहता है वो है बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट, उनकी ग्रूमिंग अच्छी से हो, इस चीज का हमने विशेष ध्यान रखा है। हम सभी फील्ड्स को टच करते हुए इसमें बच्चों की ग्रूमिंग करना चाहेंगे। सबसे पहले तो क्लीनलीनेस, इस कैंपस की हम क्लीनलीनेस करेंगे, आसपास सराउंडिंग एरिया की भी करेंगे जैसे कि आपको प्रिंसिपल सर ने बताया। उसके बाद एक दिन का हमारा रहेगा नियर बाय वाटर बॉडीज को रिवाइव करना, ताकि बच्चों में जागरूकता आए कि पानी की बहुत अधिक महत्वता है हमारे जीवन में और उनको हमें साफ रखना है, स्वच्छ रखना है। एक हमारा और इवेंट रहेगा स्लम एरिया में, जहां हम बच्चों को अवेयर करेंगे क्लीनिनेस के रिगार्डिंग, हाउ टू हैंड वॉश कैसे करना है, कैसे साफ सफाई रखना है, कैसे एक अच्छा जीवन अपना व्यतीत करना है, जिसमें हम नुक्कड़ नाटक के द्वारा भी बच्चों को अवेयर करेंगे। इसके अलावा
बच्चों को हम स्कूल जाने के लिए, जैसे जो स्लम एरिया के बच्चे होते हैं वो अधिकतर उनके अध्यापकों से ये शिकायतें आती हैं कि वो स्कूल नहीं आते, तो उसके बारे में भी उनको जागरूक किया जाएगा ताकि वो रेगुलरली अपने स्कूल जाया करें।